धन्यवाद 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 करते मेरे महान सामर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस सुंदर शाम में मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे खुदावन प्रभु जी, आज के इस शाम में मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदावन मेरे पिता प्रभु जी, हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज का ये सुंदर शाम को दिखाने के लिए, हमारे जीवन में प्रभु जी एक नई शाम को देने के लिए, एक नई रात को देने के लिए मेरे खुदावन मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपके प्रभु जी, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं मेरे खुदावन मेरे पिता। प्रभु जी आज का ये शाम प्रभु जी, आज का ये नई प्रभु जी आशीष आपने हमारे जीवन में दिया है मेरे पिता। प्रभु जी आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, आज के इस दिन भर हमारे ऊपर अपना अनुग्रह किया, संभाल के रखा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वही भला परमेश्वर है, वो हमेशा आपके साथ रहता है, आपकी रक्षा करता है, आपकी सुरक्षा करता है, हर एक संकटों से, हर एक बीमारियों से वो आपको बचाए रखता है। प्रभु को धन्य कहे, प्रभु के नाम को ऊंचा करे, सब मिलकर प्रभु के गीत को गाए, प्रभु की महिमा करे, प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वही आपको संभालता है, वही आपकी रक्षा करता है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर, सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है। वो बोलता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें संभाले रहूँगा, मैं तुम्हें कभी कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं तुमको कभी निराशा में नहीं जाने दूंगा। प्रभु के पास जाए, प्रभु आपको संभालेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपको हर एक चीज़ों से छुटकारा देगा। यदि आज आप अपने दुखों में, चिंताओं में, समस्याओं में, आज प्रभु आपको आज़ाद करना चाहता है, प्रभु यही चाहता है कि आप आज़ाद हो जाएं। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और बोला, प्रभु यदि आप मुझे चाहे तो चंगा कर सकते हैं। प्रभु ईसा को तरस हो आया और वो बोला कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम चंगे हो जाओ। आज मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु आप लोगों को आज़ाद करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। आप बहुत दुखों को देखे हैं, आपके प्रभु आंसुओं को देखा है, आपने कितने आंसू, कितने दुखों को सहा है, प्रभु सारे चीज़ों को देखा है। आज प्रभु आपको आज़ाद करना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है, क्योंकि उसके ही हाथों में हर एक बीमारियों का, हर एक संकटों का इलाज है, हर एक निराशा, हर एक चिंताओं का इलाज प्रभु के हाथों में। आज प्रभु आपको आज़ाद करना चाहता है। आप उनकी महिमा करें, उनकी तारीफ करें, हाथों को उठाकर सब मिलकर बोले, प्रभु तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारा गढ़ है, तू ही हमें चंगाई देता है, तू ही हमें छुटकारा देता है प्रभु जी, तू ही हमें संभालता है, हमारे रोगों को हमारे जीवन से दूर करता है। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। हर एक लोग हाथों को उठाए, घुटने पे आ जाए, आंखों को बंद करे, हाथों को हिलाते हुए प्रभु की महिमा करे, प्रभु की तारीफ करे, प्रभु का धन्यवाद करे, कि प्रभु को बोले कि प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया है, आपने हमें रात में प्रभु जी सुरक्षित, अभी दिन भर हमें सुरक्षित रखा है और इन्हें रात दिखाया। मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे खुदावन मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक लोग बोले, प्रभु की महिमा करे, प्रभु तू ही हमारा सहारा है, हम आपके बिना प्रभु जी कुछ भी नहीं। प्रभु जी आप ही हमारी घटी कमियों को पूरा करते हैं, आप ही हमारे हर एक जरूरतों को, हमारी इच्छाओं को प्रभु जी पूरी करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक लोग बोले, प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, प्रभु जी आप हमसे प्रेम करते हैं। इस प्रकार से प्रभु को बोले, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु तू दयावान है, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, प्रभु तू सबका कल्याण करता है, प्रभु आपका कल्याण करेगा। आज का ये रात आपका छुटकारा का रात बनेगा, आज का ये रात आपके लिए एक खास रात बनेगा, जिसमें आपको चंगाई मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको हर एक चीज़ों से आज़ादी मिलेगा, कर्जों से, बीमारियों से, परेशानियों से, चिंताओं से आज आप आज़ाद होने वाले। थैंक यू करें जीसस का, धन्यवाद करें मेरे प्रभु यीशु का, क्योंकि वही भला परमेश्वर है, वही आपसे प्रेम करता है। प्रभु बोलता है, प्रभु क्या करता है, प्रभु बोलता है, प्रभु कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रभु दुखियों का सहारा है। यदि आज आप टूट चुके तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, प्रभु आज आपको उठाएगा, आपको संभालेगा, प्रभु आपकी इच्छाओं को, आपकी योजनाओं को पूरी करेगा। आप जो काम सोच कर रखे थे, वो काम आपसे सफल नहीं हुआ पा रहा, आज प्रभु आज वो काम को सफल करेगा। आज आपके जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, प्रभु उन इच्छाओं को पूरी करेगा, प्रभु आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करेगा, क्योंकि प्रभु धर्मियों से प्रेम करता है, वो दुष्टों से नफरत करता है, लेकिन आप धर्मी हैं, जो प्रभु पे विश्वास करता है प्रभु उनकी इच्छाओं को पूरी करता है, प्रभु उनकी हर एक जरूरतों को पूरी करता है। आप प्रभु पे विश्वास करें, प्रभु पे विश्वास करें, प्रभु की आज्ञाओं को माने,
प्रभु की आज्ञाओं को माने, प्रभु के रास्तों पर चले, तो प्रभु आपको हर एक चीज़ों से परिपूर्ण करेगा। वो चाहे धन हो, दौलत हो, घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, हर एक चीज़ों से आपको आशीषित करेगा। आज के इस शाम में सब हाथों को उठाकर बोले प्रभु तू ही हमारा गढ़ है, तू ही हमारा बल है, तू ही हमारा चट्टान है मेरे पिता, तू ही हमारा शरण स्थान है। हे मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आप ही हमारे मुक्तिदाता हैं, आप ही हमारे रखवाला हैं। आज के इस रात में प्रभु आपकी रक्षा करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा, अपने दूतों का बाड़ा आपके घरों के ऊपर लगाएगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, आपके बच्चों को आशीष देगा, आपके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाएगा, आपके जीवन से हर एक कंगाली को, हर एक कर्ज को दूर करेगा, आकाश के झरों को खोल देगा, वो आपके घरों में धन की बारिश करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम आज के शाम में मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी तू बोलता है, तू अपने वचनों में बोलता है, तू क्या चाहता है प्रभु? चाहता है प्रभु, हम लोग यही चाहते हैं कि आज हमारे घरों में आशीष आने पाए, और जो लोग प्रभु जी आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी आज अशांति में प्रभु जी, उनके घरों में शांति आ जाए मेरे पिता। आज जितने भी भाई बहन आज कर्जों में, वो लोग प्रभु जी आज कर्जों से आजाद हो पाए। जितने भी भाई बहन आज विकलांग हैं, उनको रोजगार नहीं प्रभु जी, उनको रोजगार दे, उनके विकलांगपन को तो दूर कर, उनके प्रभु जी पैरों को तो सीधा कर, हाथों को सीधा कर, उनकी आँखों को प्रभु जी चंगा कर, उनकी आँखों की रोशनी बढ़ा मेरे पिता। आज जो लोग प्रभु जी बीमार हैं, कैंसर में है प्रभु जी, टीबी में है प्रभु जी, तरह तरह की बीमारियाँ, हर्निया मेरे प्रभु जी, आज वो लोग हर एक चीज़ों से, हर एक बीमारियों से आजाद होने पाए। आप लोग प्रार्थना को रिसीव करें, विश्वास करें कि प्रभु आज आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। आप लोग छुटकारा पाएंगे, आप लोग चंगाई को पाएंगे, आप लोग विश्वास करें। धन्यवाद, धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। प्रभु जी आज जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु जी आज आप पे विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप पे विश्वास करने वालों का मुंह कभी काला नहीं होता, वो लोग कभी लज्जित अपमानित नहीं होते मेरे पिता। आज तो उन लोगों पर दया कर मेरे पिता, आज उन लोगों पर दया कर, और मेरे खुदावन मेरे पिता आज उन्हें प्रभु जी हर एक तरह से ब्लेस कर, आत्मिक रीति से प्रभु जी उन्हें ब्लेस कर प्रभु जी, उसे आशीषित कर मेरे पिता। प्रभु जी उन्हें आत्मिक बुद्धि और विवेक दे प्रभु जी, उन्हें आत्मिक समझ दे हे मेरे पिता परमेश्वर, उनकी आत्मिक आँखों को खोल दे ताकि प्रभु जी वो सच्चाई और बुराई का पहचान करे, वो प्रभु जी आपके प्रेम को समझे, वो आपके प्रेम को महसूस कर पाए, आपके रास्तों पर चल पाए मेरे पिता परमेश्वर, वो दूसरों को प्रभु जी बचाने वाले बने हे मेरे प्रभु जी, आपके सुसमाचार को फैलाने वाले बने हे मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे परम पावन पिता परमेश्वर, दया करने वाला, प्रेम करने वाला हे मेरे प्रभु जी, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर हे मेरे प्रभु जी, आपके लिए कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ असंभव नहीं मेरे पिता। आज हर एक लोगों को हर एक चीज़ों से आजाद कर, उनके जीवन से हर एक दुष्ट आत्मा का बंधन तोड़ हे मेरे प्रभु जी, हर एक प्रकार से प्रभु जी उनके जीवन में जो भी बंधन है प्रभु यीशु, हम आपके नाम से उन्हें आज्ञा देते मेरे खुदावन प्रभु जी, इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, आज उनके जीवन से हर एक बंधन टूटने पाए मेरे पिता, हर एक बंधन, वो शैतानी बंधन प्रभु जी आज टूटने पाए। जो भी शैतान उनके घरों में कर्जे को देती, हम हर एक उन शैतानी आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से आदेश देते हैं, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, ओ राबा राबा रा लगा शाखा मंदोर लेब्रो मंदार ले हेरे ले गेरे ले बे हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी आज हर एक तरह से उन्हें ब्लेस कर हे मेरे प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु जी जितने भी भाई बहन आज दुखों में, चिंताओं में प्रभु जी, अपने बच्चों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर हे मेरे पिता परमेश्वर, तू उनके भविष्य को सवार, तू उनके भविष्य को उज्ज्वल बना हे मेरे प्रभु जी, उनके घरों में आशीष बरसा, आशीष बरसा मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु जी आज जितने भी भाई बहन आज रात में प्रभु जी बीमार है, वो लोग चंगे होने पाए, और प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी आज मौत से लड़ रहे हैं पिता, उन्हें विजय दिला, उन्हें चंगाई प्रदान कर, उन्हें स्वस्थ रख, उन्हें जीवित रख मेरे पिता। और आज के इस रात में हर एक भाई बहन को प्रभु जी तू आज आशीषित कर, और प्रभु जी हर एक लोगों को सुरक्षित, भला चंगा रख, और प्रभु जी अच्छी नींद प्रदान कर। जितने लोग प्रभु जी गंदे गंदे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं मेरे पिता, उन्हें हर एक प्रकार से प्रभु जी आशीषित कर, वो लोग गंदे सपने ना देखने पाए, वो लोग सपनों में डरे ना प्रभु जी, आपने उन्हें भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है मेरे खुदावन मेरे पिता, प्रभु जी उन्हें सामर्थ की आत्मा दे हे मेरे प्रभु जी। हम आपसे विनती करते मेरे खुदावन, और उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और आज के इस रात में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।